या गुसल कर सकता है। अगर तो सूरत हाल ऐसी हो कि इनमें से यानी सिर्फ एक आदमी के लिए जवाज बनता है कि वो इस पानी से इसमें तसर्रुफ कर सकता है, उसको इस्तेमाल में ला सकता है, मौजूद तो है लेकिन बाकी दो मसलन उनको ये हक नहीं पहुंचता कि उसको इस्तेमाल करें, इनमें से एक को ये हक पहुंचता है, तो जाहिर है जिसके लिए उसमें तसर्रुफ या उसको इस्तेमाल में लाना जायज होगा उसका तसर्रुफ करेगा, वो वजू या गुस्ल बातिल हो जाएगा, चाहे उसने गुस्ल के बदले किया हो या वजू के बदले। और जाहिर है बाकियों का जो तयम्मुम है उसका असर बदस्तूर बाकी रहेगा और उसी तहारत तुराबिया से वो अपनी इबादत को अंजाम देंगे। सही। और अगर ऐसी सूरत हाल ना हो, सब बराबर बराबर हों, मसलन एक सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जगह पानी था और सब जो है वहां तक पहुंचते हैं और किसी को किसी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है, तो फरमाया गया है कि यहाँ किसी का भी तयम्मुम जो है ना बातिल नहीं होगा, नहीं होगा और सभी उसी तयम्मुम से अपनी इबादत को अंजाम दे सकेंगे। अच्छा, और इससे मिलती जुलती शिक ये है कि फर्ज करें दो तीन आदमी ने तयम्मुम किया हुआ है, अच्छा एक साहब के पास पानी है और वो इनमें से सिर्फ एक या दो को उस पानी के इस्तेमाल की इजाजत देता है, ठीक है, तो जाहिर है पानी का मालिक, चूंकि पानी का मुबाह होना जरूरी है वजू के लिए भी गुसल के लिए भी, तो मालिक जिसको इजाजत देगा या दूसरे अल्फाज में जिसके लिए ये पानी मुबाह होगा उसी का तयम्मुम बातिल होगा, चाहे उसने वजू के बदले किया हो या गुसल के बदले, और जिसको इजाजत नहीं होगी पानी के इस्तेमाल की उसके तयम्मुम का जो असर होगा वो बदस्तूर बाकी रहेगा, तयम्मुम बातिल नहीं होगा और उसी तयम्मुम से वो अपनी इबादत को अंजाम देगा। सही। क़िबला, अगर किसी शख्स के जिम्मे मुतअद्दिद गुस्ल हो और उसके पास पानी नहीं है यानी तयम्मुम की नौबत आई हुई है, तो वो क्या हर गुस्ल के बदले में एक तयम्मुम करेगा या वो एक तयम्मुम भी इन सब की नियत करके तो अंजाम दे सकता है? जी जी, ये अच्छा सवाल है, वास्ता पड़ सकता है मोमिनीन को, नमाज गुजारों को। सही। ये जैसे हमारे नाज़रीन मुतवज्जे हैं, जो तयम्मुम है वो गुस्ल का मुतबादिल है। सही। तो जो अहकाम गुस्ल के होंगे वही अहकाम तयम्मुम के भी होंगे। सही। यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक आदमी के जिम्मे कई गुस्ल हैं, सही, वाजिब गुस्ल भी हो सकते हैं, वो मुस्तहब गुस्ल भी हो सकते हैं, अगर वो एक गुस्ल करे और उस एक गुस्ल में सब गुस्लों की नियत कर लेता है, सही, तो ये सारे के सारे गुस्ल जो है वो अदा हो जाएंगे। सही। सबकी अगर नियत कर ले, ये बड़ा बारीक नुक्ता है, मैं अपने मोहतरम नाज़रीन से तवज्जो की दरख्वास्त करूंगा कि अगर एक आदमी के जिम्मे कई गुसल हैं तो यानी तीन अगर गुसल हैं, जरूरी नहीं कि वो तीन गुसल करे। सही। पहले मसलन जिनाबत की नियत करे, फिर जुमा की नियत करे, फिर मसलन गुसल मस में ईद की नियत करे, इस तरह से जितने जिम्मे उसके गुसल हैं उतने गुसल सर अंजाम देने की जरूरत नहीं है, एक ही गुसल करे और उसमें तीनों चारों जितने गुसल उसके जिम्मे वाजिब अदा हैं या जितने मुस्तहब गुसल हैं सबकी नियत करे, तो एक ही गुसल काफी है, वो सब गुसल चाहे वो वाजिब हों चाहे सब वाजिब हों, सब मुस्तहब हों, बाज वाजिब हों बाज मुस्तहब हों, ये सब के सब अदा हो जाएंगे अगर उसने सबकी नियत की हो। सही। और अगर सबकी नियत उसने न की हो और जो गुसल उसके जिम्मे थे उनमें गुसल जिनाबत भी था और उसने गुसल जिनाबत की नियत की है, सही, बाकी जो गुसल है उसकी नियत नहीं की, तो इसी एक ही गुसल यानी गुसल जिनाबत की नियत से बाकी गुसल भी अदा हो जाएंगे। सही। लेकिन अगर गुसल जिनाबत के अलावा और गुसल थे, सब गुसलों की नियत न करें, जिनाबत के अलावा किसी और गुसल की अगर वो नियत करता है, तो उस सूरत में बाकी गुसलों के अदा होने में इश्काल है, लिहाजा उसको इसी पर इक्तफा नहीं करना चाहिए, एहतियात का तकाजा ये है। क़िबला, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं लेकिन इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन के नाम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। क़िबला, गुफ्तगू को वहीं से जारी रखिए जहां पे मुनक़ता हुई थी। तो मैं अर्ज कर रहा था, चूंकि तयम्मुम गुस्ल और वुज़ू का मुतबादिल है, सही, तो इससे दरपेश सवाल में जो हुक्म गुसल का होगा वही तयम्मुम का होगा, तयम्मुम के बदले गुसल के बदले वाले तयम्मुम का, गुसल का जो मुतबादिल तयम्मुम उसका भी होगा। सही। तो आपके जिम्मे अगर कई गुसल हैं
और तयम्मुम के मौके पर आप सब गुसलों की नियत करेंगे तो सारे गुसल अदा हो जाएंगे, और अगर कई गुसल हैं और उनमें गुसल जिनाबत भी है तो गुसल जिनाबत की नियत से के बदले बदले में जो तयम्मुम तयम्मुम की करेंगे नियत उससे करें। बाकी तयम्मुम भी अदा हो जाएंगे। सही, लेकिन अगर गुसल जिनाबत के अलावा किसी और गुसल की नियत करेंगे ठीक है, तो तयम्मुम में तयम्मुम में ठीक है। तो उसमें जो है वो इश्काल है, बेहतर है कि फिर उसके लिए अलग करें। किबला, अगला सवाल यह है कि गुस्ले जनाबत के बदले में तयम्मुम किया मैंने, फर्ज जी करते हैं, जी तो अब मेरे पास पानी है वुजू के लिए या पानी वुजू के लिए भी नहीं है, तो क्या अब मैं वुजू या वुजू के बदले में तयम्मुम भी करूंगा या गुस्ले जनाबत के बदले में किए गए तयम्मुम के साथ ही नमाज पढ़ सकता हूँ? जी जी इसका जवाब तकरीबन हमारी इससे सबक जवाब से वाजह हो जाता है। अब आपने इतनी माशाल्लाह तफसीलात में बता दिया है कि जी बहुत जी तो सारों के वो जवाब वाजे जिस हो जाते तरह हैं। गुसल जिनाबत जिस तरह गुसल जिनाबत के बाद वजू की जरूरत नहीं रहती, सही, एक आदमी के जिम्मे अगर गुसल जिनाबत है और उसने गुसल जिनाबत कर लिया है तो और अब कोई ऐसा काम करना चाहे जिसमें इंसान को बावजू होना चाहिए तो गुसल जिनाबत के बाद वजू की जरूरत नहीं रहती, सही, अगरची उससे कोई ऐसा काम सरजद हुआ हो कि जिसके लिए वजू करना पड़ता है। सही, इसी तरह अगर नौबत आई है गुसल के बदले तयम्मुम की, गुसल जिनाबत के बदले, तो सही, गुसल जिनाबत के बदले जो तयम्मुम करेंगे उसके उसी से आप नमाज और दूसरी इबादत अंजाम दे सकते हैं जिसमें तहारत शर्त है, अलग से वजू के बदले तयम्मुम की जरूरत फिर नहीं रहती। सही। जी अच्छा किबला, तीन शख्स हैं, एक के जिम्मे गुस्ल है, एक के जिम्मे वुजू है और एक के जिम्मे किसी मैयत को गुस्ल देना है। पानी जी सिर्फ इतना है कि इन तीनों में से एक काम हो सकता है, तो यहाँ किसी को कोई फोकियत हासिल है या ये तीनों में से कैसे होगा, इनका क्या फरीजा बनता है? जी जी अगर फर्ज करें एक आदमी के जिम्मे गुसल गुस्ल, जिनाबत है, गुस्ल जनाबत है, एक आदमी के जिम्मे वुजू है सही, और एक आदमी के जिम्मे गुसल मैयत मैयत है, है, जी हाँ, तो वैसा तो मैयत को गुसल देना सब मुसलमानों पर फर्ज है वाजिब किफाई सही के तौर पर, तो सही, इसको इस तरह से फर्ज करते हैं कि मसलन एक आदमी के जिम्मे जिनाबत है उसने गुसल जिनाबत करना है पानी से, दूसरे के जिम्मे वुजू है और जो तीसरा बंदा है वो मसलन किसी मरहूम का वली है, सही उसका मसलन बड़ा बेटा है, सही जाहिर है बड़े बेटे की जो है वो ज्यादा वो उस पर जिम्मेदारी आयद होती है, सही तो इस सूरत में इन यानी इन